नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है, न्यूज नहीं आ रही है, आप लोग परेशान हो रहे हो। तो कुछ कारण था जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता था, मोबाइल नहीं उठा सकता था। तो आज से आपके प्रॉपर वीडियो आएंगे, आज से आप कॉल करोगे तो आपके हम सवालों का जवाब देंगे। माफ़ी मांगता हूँ कि 2-3 दिन आवाज़ जो वीडियो नहीं आए, जिसके कारण आपको बहुत बड़ी परेशानी हुई कई बच्चों का, वो मैंने देखा। क्योंकि मेरी कुछ ऐसी मजबूरी रही होगी जो मैं बता नहीं सकता हूँ, फिर आगे खुलासा करूँगा कभी भी। चलिए, तो काफ़ी ओह पोह के बाद 6 तारीख को आईटीआई की ईडी का पेपर का एग्जाम चालू हुआ। कई जगह से शिकायतें आई कि कई जगह पे जो है तो एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, कई जगह पे लड़कों को बैठाया नहीं गया, कई लड़के बोल रहे हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी नहीं हुई है, हम क्या करें। तो इसका देखिए, अभी हम परेशान थे तो कोई जवाब नहीं लिए हैं, आज जो है तो मैं जवाब इसका लूँगा, तो मैं आपको कल के न्यूज में दिखाऊँगा। लेकिन एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे आईटीआई वाले ने किया है कि एलिजिबिलिटी नहीं किया है, तो ये गंभीर मसला हो जाएगा, ये गंभीर मुद्दा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए आईटीआई वालों को। अब कई लड़के कह रहे हैं कि सर हम पास हो गए हैं लेकिन फिर भी एडमिट कार्ड आया है। देखिए, ये न्यूज मेरे को 5 तारीख को दिखा देनी थी, लेकिन क्या करूं, अगर नहीं थी तो मैं क्या करूं। लेकिन अगर आप पास हो गए हो तो आपको किसी भी हालत में जो है तो एग्जाम नहीं देना चाहिए। कई लड़के कह रहे हैं कि सर अभी भी मेरा -1 नहीं क्लियर हुआ है, क्या मैं प्रैक्टिकल का एग्जाम दूं। तो भैया, आपने ईडी का तो अब दे ही लिया होगा, जो ईडी में -1 आए होंगे, तो अब प्रैक्टिकल में है वो भी दे लें। कई लड़कों की समस्या का ये था कि सर अभी भी हमारा जो है तो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा। देखिए, मैं आपको पहले बताया था कि डीजीटी के विप्रो के जो है तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, दिक्कत खड़ी हो रही है, और वो ठीक करने में लगे हैं। जैसे ठीक हो जाएगी वैसे आपको जो है तो मार्कशीट मिलना चालू हो जाएगी। कई लड़के कह रहे थे, मैं मैसेज पढ़ रहा था कि सर हमारा जो एडमिट कार्ड है वो ब्लैंक आ रहा है। देखिए, मैं आपको 4-5 दिन पहले न्यूज में 1 तारीख को, 2 तारीख को, 31 तारीख को, 29 तारीख को आप उठा करके देख लीजिए, मैंने बोला था कि आप लोग जो है तो अपने आईटीआई वाले से और खुद जो है तो किसको, मूर्ति सर को जो है तो मेल करिए और वहाँ बात करिए। आपके पास हेल्प डेस्क नंबर है, आप वहाँ बात करिए, शिकायत करिए। लेकिन अब जो होना है तो हो गया। आज मैंने मैसेज पढ़ा, जब रात में जब मैं पहुंचा तो मैंने मैसेज पढ़ा, तो मैसेज मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि कई लड़कों की जो समस्या थी वो यही थी कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है। कई लड़के ये कह रहे हैं कि हमारा SCVT से मार्ग नहीं आया है लेकिन NCVT से आ गया है। ये दुखद है कि अगर NCVT से आपका एडमिट कार्ड आ गया और SCVT से नहीं आया है, ये थोड़ा सा मेरे को भी समझने में प्रॉब्लम हो रही। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर SCVT में का है और का नहीं आया है, तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है कि NCVT का आ गया है। लेकिन चलिए, अभी व्यस्तता थी इसके कारण कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, जिनका अभी बचा हुआ है, जैसे पेपर बचा हुआ, वो अपना पेपर करें और अच्छे से पेपर करें। और एक बात, शिकायत भी आई है कई जगह से कि कुछ नकल प्रकरण हुए हैं, तो उस पर मैं बोल रहा हूँ कि इस बार FIR भी है और डीएफलेट भी है। तो डीएफलेशन है कहाँ का, सेंटरों का, जहाँ पे नकल प्रकरण या ऐसे कुछ चीज़ें पाएंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि आपको मैं अभी 2-4-10 दिन के बाद सारे रिपोर्ट का खुलासा करूँगा, तब आपको पता चलेगा कि आप लोग देख लीजिए। अभी भी जो आज एग्ज़ाम हो रहे हैं या कल होंगे या परसों होंगे या 11 तारीख तक जो भी होंगे, जब भी होंगे जो एग्ज़ाम होंगे आपके, वो एग्ज़ाम में आप नकल प्रकरण जैसे चीज़ें मत आने देना। ख़ास तौर से आईटीआई वालों को बोल रहा हूँ कि जिनका सेंटर अगर होता है उनके लिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल के लिए। और दूसरी बात कि भैया, ईडी की कॉपी पहुँचाना या प्रैक्टिकल की कॉपी पहुँचाना या नंबर पहुँचाना या अटेंडेंस सीट पहुँचाना, जितनी बार गवर्नमेंट की चीज़ें हैं DGT की, आपकी जो जवाबदारी है उस जवाबदारी से पीछे मत हटना। आपको तुरंत ही, आप लोग जैसे आज ख़त्म हो जाए यार परीक्षा, तो आज ही जमा कर दो, नहीं तो 1 दिन ले लो, लेकिन दूसरे दिन तक आप लोग मत जाइए, हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ।
जितना जल्दी ईडी की कॉपी जचेगी उतना जल्दी लड़कों का भविष्य बनेगा, उतना जल्दी जो है तो रिजल्ट आ जाएगा। ये कोई बाध्यता नहीं है कि 8 मार्च को ही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। अगर आपका जितना जल्दी नंबर चढ़ जाएगा, हालांकि उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया है कॉपी जाँचने और ये सब नंबर उम्बर चढ़ाने में, लेकिन मेरे को ऐसे लगता है कि जल्दी से जल्दी जो है तो जैसे एग्जाम होगा वैसे से, चाहे वो सरकारी आईटीआई वाले हो, जहां सरकारी आईटीआई में ईडी का हो रहा है उनको भी वही चीज़ बोल रहा हूँ, उनको भी वही लागू होता है और इनको भी यही चीज़ें लागू होता है कि तुरंत जो है तो ये कार्रवाई करें अपने जो है तो नोडल से स्टेट, और स्टेट वाले जो है तो तुरंत उसको जो है तो कहाँ आईटीआई पे भेजने का कष्ट करें, ताकि लड़के बहुत ज़्यादा जो परेशान है तो वो परेशानी ख़त्म हो जाए। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के अब एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं तो उनका क्या होगा। देखिए अभी ऐसी कोई जानकारी मेरे पास अभी नहीं आई है, डेट का नहीं आई है। बाकी हाँ, जैसे सीबीटी में कुछ लड़के बचे हैं, कुछ लड़के अभी ईडी में भी बचेंगे, कुछ लड़के अभी प्रैक्टिकल में भी बचेंगे, और कुछ लड़के सीबीटी में भी फेल होंगे, कुछ लड़के ईडी में भी फेल होंगे, कुछ लड़के जो है तो प्रैक्टिकल में भी फेल होंगे। तो उनके लिए कब स्पेशल जो है तो एग्ज़ाम होगा, लेफ्ट ओवर के नाम से होता है कि स्पेशल एग्ज़ाम के नाम से होता है, इस पर अभी बात चल रही है। तो जैसे ही इसकी न्यूज आएगी वैसे मैं न्यूज आपको बता दूंगा, आप थोड़ा सा एक दो दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि हम 4-5 दिन न्यूज़ से बाहर रहे हैं तो फिर वो हमको अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग परेशान हो रहे थे तो इसलिए मेरे को न्यूज़ पे आना पड़ा। दूसरी एक बात बता दूं कि जो आईटीआई वालों ने आवेदन किया था निम्मी पोर्टल पे, तो जिनका स्टेज 2 और 3 था, तो उनके लिए उन्होंने बोला है कि आप लोग जो है तो 6 फरवरी से लेकर के जो ये डेट खोला गया है वो 6 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग बोल रहे थे कि सर इसकी हिंदी में बता दीजिए, हमको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप तो एक तो पहले जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें आपको कब करना है, 6 फरवरी 2023 से 20 फरवरी के बीच में किया है। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि सर मैडम, विषय जो था कि स्टेज 2 और स्टेज 3 में लंबित सभी आईटीआई के आवेदन के लिए निम्मी पोर्टल खोलने के संबंध में, तो यह आईटीआई संबद्धता स्थानांतरण आदि के लिए निम्मी पोर्टल पर पहले से प्राप्त आवेदन को संदर्भित करता है। इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदनों को पूरा करने के सक्षम बनने के लिए फरवरी, मार्च और जून 2022 में पोर्टल को 3 बार खोला गया था स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए, लेकिन बहुत कम आवेदकों ने अपना आवेदन पूरा किए हैं। आवेदकों को आवेदन पूरा करने की अनुमति देने के लिए चरण 2 और 3 में लंबित आवेदनों को पूरा करने के लिए एक अंतिम अवसर आपको 6 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2023 तक 15 दिनों के लिए निम्मी पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। इन आवेदकों को ईमेल, एसएमएस के साथ साथ राज्य डायरेक्टरों तथा NIMI और NCVT MIS पोर्टल पर अधिसूचना के माध्यम से आवेदन पूरा करने के लिए सूचित किया जाएगा। तीसरे नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं, यह भी सूचित किया जाता है कि 20 फरवरी 2023 तक पूरे नहीं किए गए आवेदनों को निम्मी पोर्टल पर बिना किसी शुल्क के रिफंड के सीधे खारिज कर दिया जाएगा, मतलब आपकी फीस नहीं लौटेगी, खारिज कर दिया जाएगा अगर 20 फरवरी तक आप ये सारी जानकारी उसमें नहीं भरते हो। यह भी सूचित किया जाता है कि अस्वीकृत आवेदनों के आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और आगे संबद्धता प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा, मतलब अगर आपका ऐसा कुछ है कि आगे सोच रहे हो कि आगे कभी होगा तो बिल्कुल माने आपकी एप्लीकेशन ही खारिज कर दी जाएगी। चौथे रूप में वो लिख रहे हैं कि आवेदनों को हर तरह से पूरा करने की अनुमति देना इस बात की गारंटी नहीं है कि आईटीआई संबद्धता मान्यता के लिए पात्र हो जाएगा। संबंधित राज्य निर्देशालयों यह मौजूदा आईटीआई में वैध एनओसी के बिना आवेदन डीजीटी द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। अतिरिक्त इकाई टेडों को जोड़ने के लिए आवेदन प्रक्रिया को किसी भी चरण में खारिज कर दिए जाएंगे। इसको जो है तो अपने सक्षम अधिकारियों से उन्होंने अनुमोदन किया है। तो यह मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसे कोई हो भैया तो आप लोग ध्यान देख लीजिएगा कि आपका ये क्या है। अच्छा, अब चलते हैं एक बड़ी
ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसका रिपोर्ट मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग ने आईटीआई को लेकर के क्या सर्वे किया है और क्या अपनी रिपोर्ट जो है तो सरकार को दिया है, उसके बारे में जान लेते हैं जो बहुत जरूरी है जानना, फिर आकर के बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आईटीआई पास युवा रोजगार के लायक ही नहीं है और बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया है। तो अगर आपको ये चीजें, देख लीजिए मैं यहां पर डाउनलोड करता हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है हर चीज, तो अगर मैं उसको हिंदी में कर दूं तो आप हिंदी में उसको पढ़ करके देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करके आप विधिवत देख सकते हैं कि इन्होंने इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें इन्होंने सरकार को बताई है अपने रिपोर्ट में। तो ये चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि ट्रांसफार्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की 6 में जारी रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा है कि नीति आयोग ने कहा है कि आईटीआई पास करने वाले युवा ना तो रोजगार के योग्य हैं ना ही अपने उद्यम शुरू करने के पर्याप्त जो है तो कुशल है। यही बात मैं सरकार को समझाने के लिए न्यूज दिखा रहा था और बात बात में कर रहा था। आज नीति आयोग ने मेरे ही उन सारे न्यूजों को ऑथेंटिक कर देती है चीजों को जो मैं दिखाना चाह रहा था। नीति आयोग की स्टडी के अनुसार देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई मानक के अनुसार नहीं है। आईटीआई में भारत व्यवसाय प्रशिक्षण की रीढ़ है। हर साल लाखों छात्र आईटीआई में दाखिल लेते हैं लेकिन फिर भी वहां अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, फैकल्टी और बुनियादी ढांचा वैश्विक मानकों के अनुरूप नहीं है। प्रशिक्षित युवा रोजगार के लायक नहीं है। ट्रांसफार्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के शीर्षक में जारी रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा है कि आईटीआई पास करने वाले युवा ना तो रोजगार के योग्य हैं ना ही अपने उद्यम शुरू कर सकते हैं, मतलब माने अपना खुद का नहीं पर्याप्त कुशल है। कई बार आईटीआई को पुनरुद्ध करने के प्रयास किया गया, मतलब उनको अच्छा करने के लिए प्रयास किया गया, जैसे उत्कृष्टता केंद्र बनाना, फंडिंग, आईटीआई की ग्रेडिंग और आईएमसी को लेकर के बात हुई थी, लेकिन अनिवार्य बनाना, इसको अनिवार्य बनाना आदि इत्यादि शामिल था, लेकिन इसके बावजूद भी आईटीआई पूरे सिस्टम में सिर्फ मुश्किल का सामना कर रहा है। 25 लाख की क्षमता सिर्फ 10 लाख सीट ही भर रही है। देश भर में आईटीआई की 25 लाख सीट है लेकिन मात्र 10.5 लाख सीटें भर रही हैं। प्लेसमेंट की दर और निराशाजनक, यही तो बात हम भी कह रहे हैं, यही तो बात सब कह रहे हैं कि भैया सीट खाली है तो डेट बढ़ा दीजिए। डेट बढ़ाने में क्या दिक्कत है जब नीति आयोग ऐसी चीजों को मान रहा है। आईटीआई की गुणवत्ता और सामाजिक स्वीकृति कम है। देश के आईटीआई परिस्थिति तंत्र को फिर से जीवित करने के लिए नीति आयोग के स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वर्टिकल द्वारा अध्ययन किया गया है कि इसमें कई सुझाव भी दिए गए हैं। 78% संस्थान निजी हैं। देश भर में मौजूदा आईटीआई में 78.40% निजी लोग द्वारा चलाए जाते हैं। बचे 21.59% सरकारी संस्थान है। सरकारी संस्थान में निजी की तुलना ज्यादा छात्र नामांकित हैं, जबकि 62% सीटें निजी संस्थान से ही हैं। 67% आईटीआई 5 राज्यों में, देश में अभी कुल 14,779 आईटीआई हैं। इनमें से 67% संस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों में। इनमें 64.81% सीट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के खाली हैं और 71.57% सीट फिटर ट्रेड की खाली है। ये साहब मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। ये प्रमुख समस्याएं हैं। औसतन प्लेसमेंट की दर 0.1%। अब ये कौन कह रहा है? संस्थान में औसतन रेटिंग 1.41 अधिकतम 5 में। महिलाओं का दाखिला सिर्फ 6.6% रह गई है। स्ट्रक्चर के रूप में
15.83% ही महिला निवेश में नहीं सिर्फ 8% स्ट्राइब योजना के योग्य है। और सिफारिश करते हुए नीति आयोग ने कहा है कि व्यावसायिक शिक्षा को अलग से बोर्ड बने, दाखिले के लिए केंद्रीकृत प्रक्रिया अपनाई जाए, मांग के आधार पर कोषों को अवगंटन किया जाए, सतत निगरानी के लिए एक मजबूत प्रक्रिया की स्थापना किया जाए, आईटीआई की ग्रेडिंग प्रक्रिया में बदलाव किया जाए, ट्रेनर्स की ट्रेनिंग बेहतर किया जाए और एसएमआई के साथ में टाइप की सुविधा, एलमुनी नेटवर्क बनाना, प्लेसमेंट को उद्यमी सेल की स्थापना करना और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करना आदि इसको इस रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन एक चीज बता दूं, वही चीज मैं कई दिन से तो बोल रहा था कि आप देख लीजिए कि मैं वही चीज दिखा रहा था। सिफारिश में दिए गए बिंदु में एक बिंदु अति महत्वपूर्ण है जिसकी मांग कई बार मेरे द्वारा भी निर्देशक महोदय तथा अन्य अधिकारियों से भी की गई थी। यह की गई थी कि आईटीआई को एमएसआई इंडस्ट्रियल से टाई अप कराना है। जिस दिन सरकारी तंत्र के द्वारा इंडस्ट्रियल और आईटीआई का टाई अप हो जाएगा, निश्चित रूप से आईटीआई के फील्ड में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। एडमिशन भी बढ़ेंगे, गुणवत्ता भी बढ़ेंगे और बच्चों की ट्रेनिंग के स्तर बढ़ाने के साथ साथ तुरंत अप्रेंटिसशिप या नौकरी मिल जाएगी, जिसके कारण से बेरोजगारी आदि जो है तो समाप्त हो जाएगा। ये काफी लंबा चौड़ा उन्होंने अपना ये बनाया हुआ है जिसको मैं आपको हिंदी में बता दिया हूं, आप समझ गए होंगे सारी चीजें। अब जो है तो मैं आपको बता दूं कि एक चीज आप समझ लीजिए कि अब डीजीटी जो है तो इस नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार काफी बदलाव करेगी, जिसके लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा, धीरे धीरे कर करके तैयार होते जाइएगा। अब ये क्यों कर रही है, जो पहले आपको मैंने बता चुका हूं, पहले मैं इसकी आशंका आपको बता चुका हूं। अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए भी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जिस चीज के लिए मैं हल्ला कर रहा था वो चीजें ये थी कि अगर आईटीआई में इस बार जैसे एडमिशन की डेट नहीं बढ़ाई है, डेट बढ़ा दिए होते थोड़ा सा तो बहुत सारी चीजें हो जाती। देखिए सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, लेकिन हमारी ही बात को जो है तो नीति आयोग ने मोहर लगा दिया है। अब इससे आगे जो है तो मेरा कुछ भी नहीं मैं बोल सकता हूं, क्योंकि जो मैं कह रहा था उसको कोई मान नहीं रहा था। अब नीति आयोग की रिपोर्ट आ जाने से हमारी बातों को बल मिला है। इस चीज के बारे में हमको पहले से भी पता था, इसका हमारे पास पीडीएफ भी आ चुका था, ये पहले आ चुका था, लेकिन मैं न्यूज में इतनी व्यस्तता के कारण नहीं दिखाता इसको। मैं समझ रहा था, समझने के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग यह रिपोर्ट देख लीजिएगा जो आईटीआई चला रहे हैं। और अब तो भाई एक लाइन में ही कहूंगा कि दिया वही जलेगा जिस दिए में तेल होंगे, बाकी जो है तो फड़फड़ा करके बुझ जाएंगे। 2024 आते आते बहुत सारी आईटीआई बंद हो जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, चलते हैं बैक टू स्टूडियो। ये बहुत अच्छी बात है कि नीति आयोग ने ऐसी रिपोर्ट दिया है जो बहुत ज़रूरी है और सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। इस पर हमको लगता है कि अपनी राय जो है तो सबको देने का अधिकार है। और मुझको लगता है कि अगर जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें की जाती है तो आईटीआई देश समाज के लिए विकास के लिए बहुत अच्छा होगा और आईटीआई के एडमिशन भी बढ़ेंगे और लड़के रोजगार होंगे, स्वयं का रोजगार भी खोलेंगे। तो ये सरकार की पहल को मैं धन्यवाद देता हूं और आगे कल से प्रॉपर न्यूज चलेगी, प्रॉपर न्यूज आएगी, जो आपके सवाल हैं उनका जवाब दिया जाएगा। हाँ, आप लोग जो है तो करीबन 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक ही आप हमको फ़ोन लगा सकते हैं, क्योंकि 1 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक हमारा जो है तो डीजीटी के साथ जवाब लेने का रहता है। जो आपके सवाल रहते हैं उनका जवाब लूँगा। बहुत सारे लोगों ने आपने जो मेरे को व्हाट्सअप किया है उसका मैं जवाब लेने के लिए उनको रात में भेज दिया था, लेकिन रात में कोई चीज़ देखेंगे नहीं, दिन में ही देखेंगे, तो उसका देखता हूँ। जैसे आपके सवालों का जवाब आएगा तो आपको सवालों का जवाब हम देंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा, सब्सक्राइबर करते रहिएगा। एक बार पुनः 3-4 दिन से जो न्यूज नहीं आई है उसके लिए मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जिसके कारण मैं न्यूज नहीं दिखा पाया।
कभी फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों न्यूज नहीं दिखा पाया था, कुछ कारण था, कुछ बड़ा कारण था। चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल करिएगा और ख्याल रखिएगा भी। आज का भी दिन शुभ हो आपका और आने वाला कल भी शुभ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ, उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए नर्सिंग कॉलेज ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें, दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।